ये हमारे सीए साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट आगे रहती है और मुझे मेरे डॉक्टर जी बताते हैं सर ये बच्चा ऊपरी रास्ता चलने लगा तब मैं देख पाता हूँ एक मैं बता मुझे विश्वास नहीं होता था पर मैं तब मैं देख पाता हूँ तब मैं बोलता गरीब पा ये आश्चर्य है कैसे हो रहा है तो ये तो इन लोगों की ईश्वर की कृपा है और इसे इतने सिंसियर है प्रैक्टिस है हमारे जूनियर और वो हमारे जूनियर हैं गुरु कृष्ण चौहान और ये पीछे हमारे जूनियर हैं सौरभ यादव ये जौनपुर से तो हम लोगों का ये अपना चल रहा है ग्रुप चल रहा है हमारे फादर की डेथ हो गई 2017 जनवरी में तो फिर सर से मिले सर यहाँ गए थे हम आई टी आर तो सर से मिले और हमारे फादर बीमार थे सर के भी फादर ट्यूशन जा चुके थे और यहाँ आचार्य चंद्रपदी पांडे जी के स्मृत में ये सब हो रहा था तो मैं मिला तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि अब फादर की याद में और ले लो ना विष्णु बट रहा है सबको बट रहा है क्या इसको ले लो तो अभी जाए तो मैं पावर चाहिए तो इन बच्चों को दे दे आप करा ले सीधे जाए अब हम लोग बात करते हैं हल्का हल्का दर्द हो रहा था या जीन है पूरा जेनेटिक कैरेक्टर चला आ रहा है तो अपने जीन का एक्सप्रेशन करना हम लोगों का धर्म यही मिल गए नहीं जान पाते हैं लोग थोड़ा सा हम लोग भी चाह रहे हैं कि प्रचार प्रसार हो जाए लोग अपने और यहाँ सभी आज आप लोगों को ये किसी बुलवाया नहीं ये चैनल वालों को क्यों ये जनित क्या है कौन जनहित इंडिया जानकारी
धीरे धीरे ठीक होगा वो सही प्रयास है पढ़ाई देते रहो एक दिन बट अपने से बनाएगा ठीक है सर आप लोग कृपा रहे तो जरूर आइए डॉक्टर साहब आ जाइए जी। और इन्होंने हिंदी जो आज आप राजभाषा सुन रहे हैं राजभाषा अभी तक नहीं बन पाई है ये इनके प्रयास से ही बनी सारे के सारे गांधी नेहरू टंडन सारे इसके विरोध में थे इन्होंने कहा कि नहीं जब तक राजभाषा नहीं मिली तब हम कुछ नहीं कर सकते हम तो अंजाम दे देंगे ये इनकी पुस्तकें हैं आचार्य जिन्होंने हिंदी संस्कृत उर्दू इंग्लिश चारों पुस्तकें लिखी हैं और राजभाषा विवाह नहीं किया और राष्ट्रभाषा के लिए देश के लिए भी पूरा आपको समर्पित किया और ये है हनुमान शरण जोशी पांडे जिनके नाम पे यह चिकित्सालय है अच्छा ये मेरे पुजारी है ये सबकी पुस्तकें हैं और काफी पुस्तकें हैं ये राहुल जी हैं राहुल जी को तो आप जानते हैं बहुत सारे ये सब लोग यही आजमगढ़ के धरोहर हैं ये लोग आजमगढ़ के हैं ये लोग और आप मैं तो कुशीनगर का कुशीनगर के यहाँ वेद कुरान उपनिषद साहित्य पुस्तकें और साहित्य की तमाम पुस्तकें हैं तमाम कहानियाँ सब कुछ हैं अष्टवक्र गीता भी है अच्छा सब कुछ है हमारा प्रयास है ये लोग पढ़ें आगे बढ़ें और हमारा स्लोगन है कर्म ही धर्म जो हम कर्म करते हैं वो सही नहीं है तो सब बेकार है जो हम कर्म करते हैं वही हमारा कर्म है।